आज इतना ठंडा हो रहा है ना भाई साहब। मैंने किए हैं और मैं सुबह यहाँ पे मैं कुछ रख के नहीं जाती, तो मेरे ही होने चाहिए। छोड़ दूंगी मैं आज। क्या बोला दीदी की मम्मी ने? जैसा दिल को आप कब तक जलवा सकते हो जलवा लो, जितना इमोशनल कर सकते हो कर लो, जो बुरा बुरा बोल सकते हो बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पड़ता है तो आपको नहीं दिखेगा कभी भी। चीज़ की वजह से मैक्सिमम झगड़े होते हैं घर में। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने एडल्ट हैं या जितने मेरी उम्र के हैं, घर में कोई भी चिल्लाए ना भाई चुप रह जाओ, चुप रह जाओ बस। आज इतना ठंडा हो रहा है ना भाई साहब। मुझे 5 मिनट की दूरी में भी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इतना कोहरा आ चुका है। मैं आपको दिखाती जरूर, पर मेरा यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। खिड़की से नजर दिखेगा नहीं, दिख जाएगा पर मैंने उठा लिया फोन। मेरे को प्याला सा है, नमी जा चुकी है स्कूल भी। हम अपने नाश्ता बनाएंगे क्योंकि अभी हम जिम से आए हैं और मेरे सारे नाखून टूट रहे हैं। वेट उठा डम्बल डम्बल उठा के ना मेरे ये नाखून टूट रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल एक्सटेंशन मैंने किए हैं और ये ग्लू है इनका। अच्छा जिम में नहीं टूटे, दब जाते हैं। बेकार है यार, मैंने सोच लिया ना नाखून नेल्स एक्सटेंशन करके नहीं जाऊंगी जिम, और अपने भी नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि अब मुझे हो रही है प्रॉब्लम। ऐसे भी ठंड हो रही है, ठंड के मौसम में नाखून सबसे अच्छे मेंटेन होते हैं, बट आई रिफ्यूज। तो वी आर ऑल सेट एंड नॉर्मल गाइस। थोड़ा सा तीख सा लग रहा है, अभी भी निकाले तो बट कोई नहीं। ठंड देख लो गाइस कितनी हो रही है। तो मौसम कुछ इस प्रकार है, कैमरे में पूरा कोहरा नहीं आ पा रहा लेकिन धुंध पूरा एकदम है मुंह के आगे। अभी ठंड में उनको नहाना भी है। कपड़े सिकेले हैं, मत निकलो घर से बाहर कोटद्वार वालों। डेड सीन डेड। सुबह जिम में फोन करती, कहती है घर चली गई कि नहीं, तो ऐसे बात करके थोड़ी देर बाद बोलती कि मैं बात भूल गई, मैं बाद में फोन करती हूँ। उसके बाद मम्मी ने अभी फोन किया, कह रही बहुत ठंड हो रही है, उसके बाद फोन काट दिया। मैं इसका क्या मतलब समझूँ मम्मी, प्लीज़ ये जनता जवाब मांगती है, मेरे अंदर की जनता, जितनी पब्लिक मेरे अंदर है, प्लीज़ कमेंट में बताओ मम्मी। मुझे पर्सनली नहीं सुनना, मुझे कमेंट चाहिए। आप कहिए क्या चाहती हो आप मुझसे? जिम नहीं करने देती, घर नहीं आने देती, क्या क्या करूँ मैं? तो मैंने 1 घंटे से गीजर खोला था क्योंकि ठंडे में पता नहीं क्यों वो और धीरे पानी गर्म कर रहा है, प्लस इतना ठंडा हो रखा है कि मेरे तवा भी आके नीचे ढंग से गर्म नहीं, रोटी नहीं सेक पाया वो। और फिर मुझे बाद में मुझे लगा कि ठंड की वजह से हो रहा होगा क्योंकि ठंड इतनी है, वो तवा गर्म होने में कम से कम 15 मिनट लगे। बट एक्चुअली बात यह कि ठंड तो है ही है, साथ में गैस खत्म हो गई थी तो सिलेंडर बदला, फिर जो आधी कच्ची रोटी थी मेरी फिर मैंने वो पकाई। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि पानी गर्म हो चुका है फाइनली। तो भी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। वेट बोलना सर। क्या बोलना? बोलना सर। क्या बोलना? बोलना काम नहीं कर सकती, बर्तन नहीं धो सकती। मैंने सुबह यहाँ पे मैं कुछ रख के नहीं जाती, तो मेरे लिए होने चाहिए। छोड़ दूंगी मैं आज, मेरे छोटे सब अपने सब खाएंगे छोड़ देंगे, बता दे मैंने। That's not my loss. It ain't my loss. I didn't say no. What's this? So guys, as you have seen, हमारी लड़ाई हो चुकी है। And this time I'm not going to speak first.
सिर्फ डिले हो गया था काम करने में, कुछ भी। देख लिया आप लोगों ने, एंड मुझे कुछ नहीं कहना है इस बारे में, मुझे बात ही नहीं करनी। तो मैं नानी के आ गई हूँ, थोड़ा मुंह ठीक कर लें, भसड़ हो रखा है दिमाग में भसड़। तो यह मैं रुद्राक्ष, मूड ठीक हो चुका है। हाय बोल दो आप। हाउ आर यू, आप कौन हो, अपना नाम बताओ सबको, बोलो मैं रुद्राक्ष हूँ। और मैं कितने साल का हूँ, मैं 2 years का हूँ। ओके गाइस, रुद्राक्ष इधर आओ। दीदी को प्यार कौन करेगा? आपको पता है दीदी का आज दीदी की मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, और दीदी की मम्मी ने दीदी को हट बोला, पता है आपको क्या बोला दीदी की मम्मी ने? हट। आपको तो फेवरेट है ना। दीदी की मम्मी ने दीदी को हट बोला। थैंक यू, आई लव यू। मेरी मम्मी की और मेरी यहाँ लड़ाई हो गई, और मैं अब बात नहीं करूंगी, ठीक है? वही जो जैसा आप बोलते वैसे ही बोला जाती है। तुम आप कैसे चले जाओगे जिम? गए हो यहाँ पे मेरे गर्दन पे बैठा, तुम्हारे कहाँ से चुप गया? आपने तो मुझे चुपाया। अब मैं जिम जा रही हूँ, जिम जाके बॉडी बनाते हैं, आपको पता है? नहीं बनाते। बनाते हैं, देखो मसल ऐसे बनाते, ऐसे करो, ऐसे करो, बॉडी दिखाओ, ऐसे करो। मत कर, गिर जाएगा वो पीछे। हैं आपके बाइसेप्स हैं? बाइसेप्स, इनको इनको बाइसेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बाइसेप्स। बाइसेप्स। मेरा नाम रुद्राक्ष है। मेरा नाम को पानी में बैठ के। मेरा नाम रुद्राक्ष है। मेरा को पानी में बैठ के। बोलो दीदी के चैनल को, बोलो दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करो। और गंदा पानी में, गंदा पानी में क्यों फेंके? बोलो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, गंदा पानी में, गंदा पानी में नहीं, बोलो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, गंदा पानी में फेंके क्या? वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक को गंदा पानी में, गंदा पानी में नहीं फेंकेंगे। कमेंट करो, कमेंट करो, बोलो कमेंट करो। बाय Bye. See you. In the next video. In the next video. After work love. यहाँ पे लगी, यहाँ पे देखा, तुम देखा। So guys, as you have seen कि मेरा और मेरी मम्मी का झगड़ा हो चुका है। एट दिस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अदर देन कि ऐसी सिचुएशन में अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, स्पेशली इफ मॉम एंड सन एंड मदर एंड डॉटर कोई भी हो, तो उनमें से एक बंदा कोई चुप रह सकता है, तो सबसे समझदारी का काम होगा। मुश्किल होता है पर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मालूम नहीं होता कि आप गुस्से में कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। सामने वाले को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। इफ़ अगर मेरे से कोई गलती हुई है मैं मान लूँगी, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती नहीं है और उसके लिए मैं बेवजह सुन रही हूँ, मैं नहीं मानूँगी, मैं बन जाऊँगी ठीक। ना मैं कुछ बोलूँगी, ना मैं कुछ करूँगी, मैं सिर्फ इग्नोर करूँगी। तो बात यह है कि मेरी इंटेंशन इस मामले में कुछ और थी, और उनको कुछ और लगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में मोस्टली जो मेरी मम्मी है वो किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे सबसे बुरी चीज़ ही लगती है कि आप किसी एक आदमी के साथ हैं, अगर आपके साथ उसका, आप दोनों का या किसी भी सिचुएशन में किसी भी झगड़ा हो गया और आप तीसरे बंदे पर जाके उसका गुस्सा निकाल रहे हैं ना, तो वो सबसे बुरी बात होती है, सबसे बुरी बात। ये चीज़ मैंने करना छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पता है ये खुद को कैसा लगता है।
तो अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं ना, वो भी बेवजह। और आपको पता है, जब इंसान को खुद को भी पता होता है कि अगर वो किसी सामने वाले पे गुस्सा कर रहा है तो वो सामने वाले पे जो गुस्सा कर रहा है वो गुस्सा उसने दिलाया है या नहीं, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल, मैं बता रही हूँ, बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बिल्डअप होता रहता है, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशंस, ये मैं नहीं कह रही कि हर महीने में नहीं आती, ये हर हफ्ते मुझे ये चीज़ देखनी पड़ती है, उनकी साइड से नहीं तो मेरी साइड से भी होगी। ऐसा नहीं है कि वही लड़ती है, मैं भी हूँ। पर जिन चीज़ का ना सरों ना पैरों, उन चीज़ों में मुझे बहस करना पसंद नहीं है। मैं प्रिफर करूँगी कि मैं छुपी रहूँ। और अच्छा होगा कि मैं अपना पेशेंस लेवल और बढ़ाऊँ, अगर मुझे रहना है ढंग से तो। पूरे मूड का बैंड बच चुका ये गुस्सा करने से ना, आप खुद तो मूड ख़राब करते हो, दूसरे का भी होता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं ठीक ठाक कंट्रोल कर लेती हूँ। वो तो जब बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब मेरे से नहीं हो जाता, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, यहाँ तक पहुँच गई थी। और मैं वो व्लॉग्स में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला है कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुरी लगती है, तो कुछ कुछ क्या मुझे सारी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मेरा इतना सा दिल है। इतना सा दिल को आप कब तक झिलवा सकते हो, झिलवा लो। जितना इमोशनल कर सकते हो कर लो, जो बुरा बुरा बोल सकते हो बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब पड़ता है तो आपको नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आप जब गुस्सा कर रहे हैं तो सोच समझ कर बोलें जो बोल रहे हैं। अगर वो गुस्सा जायज़ है तो करो, तमीज़ से करो, लेकिन ऐसा नहीं बातें किसी को सुनानी है सुना सकते हो, पर प्यार से बोल सकते हो। बट नहीं बताने की, इंसान चिल्ला के ही सुनाना प्रेफर करता है, मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें बदलनी है इंसानों को अपने अंदर, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें नोटिस करती हूँ ना किसी इंसानों में, मैं ये जो अब कर रही हूँ नोटिस, पहले नहीं होती थी। अब पता चलता है कि पेशेंस, कामनेस, ये सब चीज़ों का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी की ज़िंदगी में। और इसकी अगर जो ऐसे सिचुएशंस में मैं सोचती हूँ कि मेरे जो बड़े मामा हैं, भाई जी मामा, अर्जुन सिंह बेस्ट नाम है उनका, तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, चुप रहते हैं। उनको मैंने चिल्लाते हुए नहीं देखा, उनको मैंने किसी ऊपर गुस्सा करते हुए नहीं देखा आज तक। मुझे नहीं लगता कि वो अब करेंगे भी। तो इस चीज़ में मेरे रोल मॉडल वो हैं, मेरे हर चीज़ का रोल मॉडल अलग अलग है। लाइफ में आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये जो सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो किसी को नहीं पता होगी अभी तक, ना पता होने वाली है। क्योंकि आई प्रीफर कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लो, अगर हो सकती है तो खुद से, वरना फ़ायदा नहीं है। जब आपसे खुद से नहीं हो रही तो दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यू ऑलवेज हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। और मैं बाहर इसलिए घूम रही हूँ कि मूड तो ख़राब होता है यार, इंसान है। ये चीज़ सीख ली है कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत अच्छी बात होती है, जिनसे आपको पता है कि आगे चीज़ें ख़राब हो सकती है या रिलेशन कोई ख़राब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं इसी रिलेशन की बात कर रही हूँ, कोई सा भी रिलेशन हो, अगर आपको लग रहा है ना ये चीज़ आपको इग्नोर करनी चाहिए या कुछ भी हो तो कर दो, बेशक कर दो। क्या फ़ायदा यार, तुम 10 दिन उस बात को लेकर लड़ते रहो बट कोई फ़ायदा ना मिले, कोई आउटकम ना हो, होना वही है तो क्यों ना उसको 1 घंटे में ख़त्म करो। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है, पुराने लोग हैं थोड़े, हमसे पहले वाली जनरेशन की सोच और हमारी वाली सोच बहुत डिफरेंट है। इस चीज़ की वजह से मैक्सिमम झगड़े होते हैं घर में। मैं समझाना, मेरा बोलने का तरीका कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है। तो यहाँ पे काम आता है कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ काम नहीं आती, यहाँ सिर्फ पेशेंस काम आएगा। घर वालों के साथ में सिर्फ पेशेंस काम आएगा। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने एडल्ट हैं या जितने मेरी उम्र के हैं, मैं बोलूँगी 15 से लेकर 25 साल तक के जितने लोग ये देख रहे हैं ना, कोई भी घर में कोई भी चिल्लाए ना, भाई चुप रह जाओ, बस कुछ नहीं होगा।
इग्नोर कर लो, कुछ भी हो जाए, कोई सी भी लड़ाई हो इग्नोर कर लो, पर चुप रह जाओ, चुप रह जाओगे जीत जाओगे बस। तो ख़त्म करते हैं गाइस आज के इस व्लॉग को। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एडवाइस पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना, आगे लोगों को भी एडवाइस बांटो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठंड भी बहुत हो रही है। बाय।